ब्रीफली हम वापस से इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, तीन मेथड बताए थे मैंने आपको, तीन मेथड बताए थे याद करो। एक सोर्स था मेरा S1, एक सोर्स था मेरे पास S2, और सामने स्क्रीन थी मेरे पास सेंटर से लाइन जोड़ने वाली यहां पे। यहां पे मेरे पास पाथ डिफरेंस था 0 और अनंत पे क्या था, अनंत पे स्मॉल डी, यहां पे भी अनंत पे भी स्मॉल डी। ठीक है बच्चा, ये सेपरेशन मेरे पास डी था। अब जो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे बच्चा, वो क्या कर रहे थे कि मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। इस पॉइंट पी पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा था। तो ये पी की दूरी जो है, इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है किससे, इस सेंटर वाले पॉइंट से, वो वाई मानी थी हम लोगों ने। तो उसके लिए हमने बोला था कि जब भी, तीन मेथड किए थे हमने, मेथड वन तो बड़ा ही खराब था। मेथड वन तो क्या था मेरे पास, S2P-S1P=n लैम्डा किया था हम लोगों ने। एन लैम्डा किस लिए था बच्चा, फॉर मैक्सिमा के लिए। इसमें हमने गंदी सी इक्वेशन बनाई थी, y²y-d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाला गंदा था मेथड किया था, ये तो कभी भी करना ही नहीं हमारा। दूसरा हमने क्या किया था कि S1 और S2 की दूरी, स्मॉल डी इज मच 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 लेसर देन कैपिटल डी, तो हमने रेज क्या मान ली थी, पैरेलल मान ली थी, रेज पैरेलल मान ली थी, और जो इनके बीच की डिस्टेंस डी थी, तो एक्स्ट्रा पाथ जो चल रहा था वो क्या था मेरे पास, डी साइन थीटा। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि जो एक्स्ट्रा पाथ चलेगा वो चलेगा डी साइन थीटा, यानी पाथ डिफरेंस जो आएगा, पाथ डिफरेंस जो आएगा बच्चा, वो आएगा मेरे पास डेल्टा एक्स, को मैंने लिखा था डी साइन थीटा। और इस पाथ डिफरेंस को मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, ये मैंने लिखा था। फिर मैंने इस ट्रायंगल से, मैंने क्या बोला था, ये एंगल थीटा था मेरे पास, ये डिस्टेंस डी था, तो इस ट्रायंगल से मैंने शो कर दिया था बच्चा आप लोगों को कि टैन थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, वाई बाई डी। इस ट्रायंगल को देखोगे तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, y by d। जो मैंने आपको बोला था बच्चा वो ये बोला था कि पाथ डिफरेंस तो क्या हमेशा क्या रहेगा, d sin theta रहेगा, और tan theta की वैल्यू बच्चा क्या थी मेरे पास, y by d थी। तो पहला अप्रोक्सीमेशन, ये सेकंड मेथड था मेरे पास। सेकंड मेथड में हमने क्या माना था कि d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल d, तो रेज को पैरेलल मान लिया था, पैरेलल मान के ये पाथ डिफरेंस आया था। दूसरा tan theta इज इक्वल टू y by d, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाला था, साइन थीटा निकाला था। साइन थीटा निकाल के हम लोगों ने टैन निकाला था। साइन थीटा निकालने के बाद टैन निकल जाएगा, टैन इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो डी मुझे पता है, टैन मुझे पता है, तो मेरा वाई निकल जाएगा। ये मेरी सेकंड वाली अप्रोच थी, ठीक है जी। तीसरी अप्रोच जो मेरी बिल्कुल ही बेशर्मी वाली थी, वो ये थी कि साइन थीटा को हम क्या मान लें, थीटा मान लें या टेन थीटा मान लें। थर्ड अप्रोच क्या थी कि साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल था तो साइन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, टेन थीटा से। तो मैंने इसी इक्वेशन में डी साइन थीटा की जगह क्या पुट कर दिया था, मैंने डी टेन थीटा पुट कर दिया था, और मैंने एन लैम्डा कर दिया, और टेन थीटा की वैल्यू बच्चा मैंने क्या पुट की थी, वाई बाई डी। तो यहां जो बन गया था मेरे पास वो बन गया था डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहां तक मैंने कल कराया था, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है बता दो मेरे को, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है बता दो बच्चा प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ू, नहीं है ना। चलो अब सुनो, गुड गुड गुड, शाबाश।
अब अच्छा इसमें एन का क्या है, देखो लैम्डा हम जानते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट हम यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस की उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगी। कैपिटल डी क्या है, सेपरेशन, इसके बीच में स्क्रीन और स्लिट के बीच में, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच की दूरी। तो बस एन क्या है इसमें, देखो सुनो अगर ध्यान से देखो तो मैंने बताया था ये अपने पास यहां पे पाथ डिफरेंस जीरो था, जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो ना बच्चा मैं यहां लिखूंगा पाथ डिफरेंस जीरो, उसे बोलते हैं हम सीएम, सीएम बोले तो सेंट्रल मैक्सिमा। जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो है वहां पे क्या बनेगा बच्चा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मुझे पता है कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां आएगा, जहां पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा हो, क्योंकि देखो एन लैम्डा लिखा हुआ मैंने, एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री ऐसे, जीरो होगा तो मेरे पास क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा, वन होगा तो लैम्डा, और टू होगा तो मेरे पास क्या होगा टू लैम्डा। तो इसे बोलता हूं मैं फर्स्ट मैक्सिमा, एन इक्वल टू वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट मैक्सिमा, एन इक्वल टू टू कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेकेंड मैक्सिमा। तो बता रहा हूं एन इक्वल टू जीरो मतलब हमारे सीएम साहब यानी सेंट्रल मैक्सिमा, एन इक्वल टू वन का मतलब क्या है फर्स्ट मैक्सिमा, और एन इक्वल टू टू का मतलब क्या है मेरे पास सेकेंड मैक्सिमा एंड सो ऑन, ठीक है बच्चा। तो इसका डायग्राम मैं क्लियरली बताता हूं, देखो जरा सुनो, जो वाई का फॉर्मूला मेरे पास आया है वो आया एन लैम्डा डी बाय डी, ठीक है जी। अभी स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग, ऐसे मान लो ये मान लो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, क्या है सेंट्रल मैक्सिमा, जो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा मेरे पास तो उसके लिए एन क्या होता है बच्चा वन होता है, तो मतलब सेंटर से कितनी दूरी पे, एन को वन पुट करूं इसमें तो वैल्यू क्या बन जाएगी लैम्डा डी बाय डी, तो सेंटर से लैम्डा डी बाय डी पे क्या बनेगा मेरा फर्स्ट मैक्सिमा, और अगर मैं एन को, यहां मैंने एन को वन पुट किया है, अगर एन को टू पुट करूं मैं तो y की वैल्यू क्या आएगी टू लैम्डा डी बाय डी, तो सेकेंड मैक्सिमा जो बनेगा मेरे पास वो सेंटर से दूरी कितनी है मेरे पास टू लैम्डा डी बाय डी, ये मेरा क्या है सेकेंड मैक्सिमा। ऐसे ही थर्ड मैक्सिमा भी बनेगा, थर्ड मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास थ्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास थ्री लैम्डा डी बाय डी, तो ये दूरी जो सेंटर से यहां तक है वो कितनी आएगी थ्री लैम्डा डी बाय डी। इतनी बात चमक रही है बच्चा कि फर्स्ट मैक्सिमा की सेंट्रल मैक्सिमा दूरी कितनी होगी, सेकंड से कितनी, सेकंड की कितनी होगी, थर्ड की कितनी होगी, ऐसे बात समझ में आ रही है बच्चा ये। आसानी है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है जी, ठीक। अब सुनो ये चर्चा हमने कर ली, देखो किसकी मैक्सिमा की। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे मेरे पास पिछला स्क्रीन तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये बात हमने की थी बच्चा किसकी मैक्सिमा की। अब आप जानते हो कि हमारा फंडा क्या था, देखो डी साइन थीटा ये हमारा क्या होता है बच्चा पाथ डिफरेंस, हमेशा इसमें सिंगल स्लिट में डबल इसमें वाईडीएससी में, अगर मैंने इसको एन लैम्डा पुट किया था तब तो ये किसकी कंडीशन थी मेरे पास, मैक्सिमा की कंडीशन आई थी, ठीक है जी। अब मुझे मिनिमा की लोकेशन निकालनी है, तो डी साइन थीटा यानी पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या होगा, वो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, याद है बच्चा आपको, देखो कहां पे लैम्डा बाय टू पे मिनिमा बनता था, थ्री लैम्डा बाय टू पे बनता था और फाइव लैम्डा बाय टू पे बनता था मेरे पास। हेलो
यार क्लास में हूँ, बात करो। हाँ बोल बोल। हाँ हाँ काम बढ़िया कर रही है। हाँ मैं तो नीचे यूज कर रहा हूँ, ऊपर तो मैं यूज नहीं कर रहा वैसे, पर रेंज सही है। हाँ सब बढ़िया। तो डी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू किसके लिए? मिनिमा के लिए। अब हमारा थर्ड मेथड क्या कहता था कि हम इसको साइन थीटा को रिप्लेस कर दें किससे? टैन थीटा से, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा मेरे पास? डी टैन थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। अब टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? वाई बाई डी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 2n+1 लैम्डा बाय टू। तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? y की वैल्यू आएगी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये y का फॉर्मूला आ गया किसके लिए? जनरल फॉर्मूला आया किसके लिए? मिनिमा की लोकेशन के लिए। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे ड्राइव किया? सिर्फ मैंने क्या किया, पाथ डिफरेंस को चेंज कर दिया। पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए क्या होता है? एन लैम्डा। और पाथ डिफरेंस के मिनिमा के लिए क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को मिनिमा की लोकेशन निकालने में? ठीक है, अब इसकी लोकेशन बनाते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो इसकी लोकेशन बनाएं। तो देखो एन स्टार्ट कहां से होगा बच्चा? इसमें जीरो स्टार्ट होगा। देखो एन जीरो स्टार्ट करना है, दो चीज यूज कर सकता हूं मैं। या तो यूज करता हूं 2n+1 ऑड के लिए, या यूज कर सकता हूं मैं 2n-1। अगर मैं 2n+1 यूज कर रहा हूं तो एन स्टार्ट करूंगा मैं जीरो से, और अगर 2n-1 यूज कर रहा हूं ऑड के लिए, ऑड के लिए दो टर्म यूज कर सकता हूं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो अगर मैं 2n+1 यूज कर रहा हूं, एन स्टार्ट करूंगा कहां से? मैं जीरो स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है जी, और अगर मैं यूज कर रहा हूं 2n-1 तो n स्टार्ट करूंगा मैं कहां से? 1 से। तो यहां पे मैं यूज क्या किया, मैंने 2n+1 यूज किया। कुछ बुक्स में 2n-1 भी यूज करेंगे, बस फर्क क्या होगा, वो n का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पे n को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी? पहले बता देता हूं n इक्वल टू 0 का मतलब क्या है मेरे पास इसमें। n इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट मिनिमा, मैं कौन सा यूज कर रहा हूं? 2n+1 यूज कर रहा हूं। अगर आप ये यूज करोगे 2n-1 तो n इक्वल टू 1 जो आएगा बच्चा वो फर्स्ट मिनिमा कहलाएगा, और n इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा मेरे पास? सेकेंड मिनिमा। जो मर्जी यूज कर लेना, बस ध्यान रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका। और n इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा बच्चा मेरे पास? थर्ड मिनिमा। ये मैंने कन्वेंशन किसके लिए यूज किए हैं? अगर मैं ऑड को यूज कर रहा हूं 2n+1, अगर मैं n को यूज कर रहा हूं, ऑड को यूज कर रहा हूं 2n-1 यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, तो फिर n इक्वल टू 1 जो होगा बच्चा वो क्या देगा मुझे? फर्स्ट मिनिमा। और n इक्वल टू 2 क्या देगा मुझे? सेकेंड मिनिमा। जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? सिर्फ दो कन्वेंशन होते हैं ऑड के लिए, या तो +1 वाला या -1 वाला। स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, +1 यूज करूंगा तो n इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट, और -1 यूज करूंगा तो n इक्वल टू 1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है जी, अब उसी डायग्राम पे आते हैं हम लोग। तो देखो इसमें n को 0 पुट किया मान लो मैंने, तो वैल्यू क्या बनेगी? n को 0 पुट कर दिया तो ये 0+1 1 आ गया, तो ये क्या आ गया? लैम्डा डी बाई 2d। क्या बन गया? लैम्डा डी बाय 2d। हाँ जी, हाथ खड़ा किया, बताओ भाई क्या डाउट है? AC01666C8 जो भी है, रोज हाथ खड़ा करते हैं, डाउट पूछते नहीं हो। और जब मैं इसमें n को 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, तो ये आएगा 3
लैम्डा डी बाय टू डी, और जब मैंने एन को पुट कर दिया टू, तो मेरा वाई क्या बन जाएगा बच्चा इसमें, फाइव बाय टू लैम्डा डी बाय डी, तो ये मेरा बन जाएगा। पहले तो बताओ ये एसीसी है कौन यार, रोज डाउट। गुड मॉर्निंग, नाम बताओ आपका, एसी 0166 जो भी है, अरे नाम तो बताओ, गुड मॉर्निंग तो होगी। अरे बच्चा मजे ले रहा है, वैसे कुछ नहीं और कुछ, चलो करो जो करना। सुनो भाई, अब उस डायग्राम पे आते हैं हम लोग जो हमने बनाया था। देखो ये वाला डायग्राम था ना मेरे पास, ये सारे मैंने क्या बनाए थे, मैक्सिमा बनाए थे। अब मैं क्या बनाऊंगा बच्चा, मिनिमा बनाऊंगा। तो मिनिमा यहाँ कहीं आएगा देखो, क्योंकि ये दूरी जो है ये फर्स्ट मिनिमा होगा, ये क्या होगी लैम्डा डी बाय टू डी, ये मेरा फर्स्ट मिनिमा। फिर मेरा क्या आएगा सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा की दूरी जो होगी बच्चा वो होगी मेरे पास कितनी, थ्री लैम्डा डी बाय टू डी। फिर मेरा क्या आएगा थर्ड मैक्स, थर्ड मिनिमा की जो दूरी होगी बच्चा वो होगी मेरे पास क्या, फाइव लैम्डा डी बाय टू डी। ये डायग्राम क्लियर है बच्चा, पाथ डिफरेंस जीरो पे क्या बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर क्या बनेगा फर्स्ट मिनिमा, फिर बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, फिर बनेगा सेकंड मिनिमा, फिर बनेगा सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मिनिमा, फिर ऐसे मेरा चलता रहेगा। ये मैं थर्ड लिखना भूल गया, बात समझ में आ रही। तो ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा चलते रहेंगे, ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा चलते रहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा फिर फर्स्ट मिनिमा देन फर्स्ट मैक्सिमा, एक मिनिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा, ठीक है जी, मैक्सिमा के बाद मिनिमा, ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा। बात क्लियर है, चलो अब एक बात बताओ मुझे, जो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता देना मेरे को प्लीज, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये स्क्रीन पे देख लो बच्चा। लैम्डा डी बाई डी, यस गुड अति शाबाश, गुड योग्यता। देखो जो लोग नहीं देख पा रहे हो देखो, सही है, गुड सीमा शाबाश। फर्स्ट मैक्सिमा मेरा कहाँ पे है, फर्स्ट मैक्सिमा मेरा जो था बच्चा वो था कहाँ पे, लैम्डा डी बाई डी पे फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा मेरा कहाँ था, टू लैम्डा डी बाई डी, तो दोनों के बीच का गैप कितना आएगा, टू लैम्डा डी बाय डी माइनस लैम्डा डी बाय डी, तो आंसर क्या आएगा लैम्डा डी बाय डी, मानते बच्चा। सिमिलरली आप चेक करना, सिमिलरली आप चेक करो कि थर्ड और सेकंड के बीच की दूरी, थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा के बीच की दूरी क्या आएगी बच्चा, सेम आएगी, गुड शाबाश। तो इससे पता क्या लग रहा है हमारे को कि हर मैक्सिमा के बीच में, दो हर कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में
कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में, कंसेक्यूटिव मतलब समझते हो लगातार वाले, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस, मतलब एक और दो के बीच की दूरी, दो और तीन के बीच की दूरी, तीन और चार के बीच की दूरी, चार और पांच के बीच दूरी, ये सब क्या होंगी मेरे पास, सेम होंगी, और उसे क्या बोलूंगा मैं बच्चा, लैम्डा डी बाय डी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा लैम्डा डी बाय डी। अब मुझे ये बताओ, आपके सामने सारी वैल्यूज हैं, मुझे ये बताओ फर्स्ट मिनिमा एंड सेकंड मिनिमा के बीच की दूरी सेम आएगी, मानते बच्चा वही लैम्डा डी बाई डी आएगी। कैसे? फर्स्ट कहां बनता है मेरे पास, लैम्डा डी बाई टू डी पे। सेकंड कहां बनता है, थ्री लैम्डा डी बाई टू डी। दोनों का डिफरेंस निकाल लूं, बड़े में छोटा घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं मैं, तो वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है बच्चा, तो फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के बीच में दूरी जो आ रही है मेरे पास वो क्या आ रही है, लैम्डा डी बाई डी। अरे क्या कर रही है यार, टू लैम्डा डी बाई कैसे आ गया? योगिता जी, डेढ़ में से मैं आधा घटाऊं तो एक ही बचता है, थ्री बाई टू में से मैं अगर हाफ घटा दूं तो वन ही बचेगा। योगिता जी बात समझ में आ रही है? ओके कोई बात नहीं, चलो सुनो। तो अब आपको फील आ गई होगी, जैसे अब मैं पूछता हूं सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस आएगा बच्चा, फिर से वो क्या आएगा, लैम्डा डी बाई डी आएगा। तो आपको फील आ गई, दो मिनिमा और दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा और दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी। वो लैम्डा डी बाय डी रहेगी। तो इस चीज को हमने एक नया नाम दे दिया, इसको बोलते हैं, इस फैक्टर को बोलते हैं हम फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, इसे फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। लिखते किस तरह से, बीटा से, किससे लिखेंगे, बीटा से नाम देंगे। तो बीटा की वैल्यू जो आती है बच्चा, वो आती है मेरे पास लैम्डा डी बाय डी। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। यहां तक समझ में आएगा बच्चा आप लोगों को, सबको कोई तकलीफ तो नहीं है, बीटा डिफाइन किया मैंने इसमें। आसान ही काम है, मुश्किल काम तो नहीं है। ठीक है चलो अब सुनो, तो फ्रिंज विड्थ डिफाइन कर दी मैंने, अब एक चीज आती है मेरे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या आती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ तो डिफाइन कर दी, अब हमें डिफाइन करना है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है जी, अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम डिफाइन करते हैं बच्चा थीटा से, किससे, थीटा से। अब ये है क्या, देखो इसको डिनोट करते हैं थीटा से। अब आपने शायद बच्चों ने पढ़ा होगा, देखो जैसे मान लो एक चीज आने पड़ी होगी, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, पड़ा आर्क वाला फंडा पड़ा होगा आप लोगों ने। ये थीटा है, ये लेंथ होता है, ये रेडियस होता है।
तो थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एल बाय आर, ये आपने पढ़ा था। तो रफली रफली हम इसको ऐसे करेंगे, ये स्क्रीन है मान लो, ये स्क्रीन है और मान लो ये फर्स्ट मैक्सिमा क्या है, ये फर्स्ट मैक्सिमा और ये मान लो क्या है सेकंड मैक्सिमा। तो ये जो है बच्चा कितना एंगल बनाते हैं ऐसे, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच की दूरी क्या होती है, बीटा आप लोग जानते हो, अभी बताया मैंने बीटा, ठीक है जी। और ये डिस्टेंस रफली कितनी होती है हमारे पास, डी होती है कैपिटल डी। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये बड़ा अजम्पशंस है, एग्जैक्ट नहीं है बता रहा हूं मैं आपको, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है। तो रफली मैं इसको क्या मान रहा हूँ, कर्व मान रहा हूँ, वो कर्व है नहीं, कर्व मान रहा हूँ। तो एल की वैल्यू क्या मान ली मैंने, बीटा मान ली, और थोड़ी बेशर्मी दिखा के आर को क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया। तो थीटा को डिफाइन किया जाता है बीटा बाई डी, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उसकी डेफिनेशन है बीटा, बीटा यानी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच की दूरी डिवाइड बाय डी, इसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बात चमकी, जरूरी नहीं है आप ये फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा निकालो, आप निकाल सकते हो सेकंड और थर्ड के बीच में निकाल सकते हो, थर्ड और फोर्थ के बीच में निकाल सकते हो, क्योंकि बीटा तो सेम ही रहेगा मेरे पास। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा बाय डी। सवाल करूंगा सब चमका दूंगा, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ रही बच्चा, बीटा कोई डाउट है पूछ लो, आई कैन इलेबोरेट मोर। बताओ भाई सबको ये समझ में आया थीटा, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो इसमें सीबीएसई ने भाई सवाल पूछा हुआ है, ठीक है जी, तो बता देता हूँ सुनो। देखो मैं वो आपसे पूछता है, मान लो कि फिफ्थ मैक्सिमा, या मान लो फिफ्थ ज्यादा हो जाएगा, थर्ड मैक्सिमा कितना एंगल सबटेंड करता है, थर्ड मैक्सिमा का थीटा बताओ, थर्ड मैक्सिमा का थीटा बताओ। तो इसका मतलब समझ लो क्या है, मान लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और ये मेरा क्या है सेंटर वाली लाइन, ये मेरा सीएम साहब, ठीक है जी। तो एक लाइन तो यही लेनी है हमारे पास, ठीक है जी। और मुझे पता है फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे आएगा, वो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, लैम्डा डी बाय डी। सेकेंड मैक्सिमा यहाँ पे आएगा, वो दूरी क्या होगी मेरे पास, टू लैम्डा डी बाय डी। और थर्ड मैक्सिमा यहाँ कहीं होगा मेरे पास, तो आप ये क्या लोगे, थ्री लैम्डा डी बाय डी। तो थर्ड मैक्सिमा ये है मेरे पास, तो थर्ड मैक्सिमा कितना थीटा है, मतलब वो इस सेंटर वाली लाइन से कितना एंगल बना रही है ऐसे, ये पूछता है आपसे। तो आप फिर से वही बेशर्मी वाला फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल तो आप क्या ले लोगे, एल आप ले लोगे क्या, थ्री लैम्डा बाई डी, थ्री लैम्डा डी बाय डी। और आर को क्या लोगे, बेशर्मी की तरह फिर से डी ले लोगे, तो ये डी आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री लैम्डा बाय डी। ऐसे किसी का पूछ लो, मान लो मैं आपसे थर्ड मैं पूछ लेता हूं, मान लो थर्ड मिनिमा का थीटा बताओ, थर्ड मिनिमा का थीटा, तो क्या आप निकाल सकते हो, निकालो थर्ड मिनिमा का। गुड, शाबाश, सब लोग सही कर रहे हैं, पिछला आंसर सबने सही दिया है। निकालो फटाफट, गुड अदिति, शाबाश, सही है शाबाश, दिशा भी सही है, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग भाई आंसर भी दे रहे हैं, अरे पल्ले पड़ रहा है या ऊपर से जा रहा है। थर्ड मैक्सिमा कहाँ बनेगा, देखो ये फर्स्ट मिनिमा,
ये सेकंड मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड। तो थर्ड बनेगा कहां पे? 5 लैम्डा डी बाई 2d पे बनेगा मेरे पास। तो ये लेंथ तो क्या होगी मेरे पास? 5 लैम्डा डी बाय 2d बाय d कर दूं, d ने d को मार दिया, तो वैल्यू थीटा की क्या आएगी मेरे पास? 5 लैम्डा बाय 2d। ईमानदारी से बोलना कितने लोगों को समझ में आ गया ये? ईमानदारी से बोलो, जिसको नहीं आया रिपीट कर दूंगा। सेवन क्यों बोल रहे हो भाई? फाइव आएगा, सेवन क्यों बोल रहे हो? कुछ लोग सेवन भी लिख रहे हैं। अच्छा, टू एन प्लस वन में थ्री पुट कर दिया आपने, तो टू एन प्लस वन में थ्री क्यों पुट कर रहे हो भाई? मैंने बोला था आपको कि अब थर्ड मैक्सिमा बोल रहा हूं, तो जब टू एन प्लस वन पुट करते हो तो एन को टू पुट करना है ना उसमें। अगर टू एन माइनस वन यूज करते हो तो थ्री पुट कर सकते थे यहाँ। बच्चा सीमा जी बताऊं, यह समझ में आ गया? सीमा जी आ गया? अच्छा, आस्था जी बोल रही, रिपीट कर दो। सुनो सुनो आस्था, देखो इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो देखो बच्चा सुनो, मुझे पता है कि फर्स्ट मिनिमा जो बनता है वो बनता है लैम्डा डी बाय टू डी पे, सेकंड बनता है कहां पे? थ्री लैम्डा डी बाय टू डी पे, और थर्ड कहां बनेगा? फाइव लैम्डा डी बाय टू डी। तो ये लेंथ जो है बच्चा, थर्ड वाले को जोड़ दूं मैं ऐसे, तो ये लेंथ कितनी आएगी मेरे पास? फाइव लैम्डा डी बाय टू डी आएगी। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यूज करना है, आर को हमेशा डी यूज करना है। लेंथ क्या आ गई मेरे पास? फाइव लैम्डा डी बाय टू डी बाय डी कर दिया, डी ने डी को मार दिया, तो वैल्यू क्या आएगी? फाइव लैम्डा बाय टू डी। आस्था जी आप ये एक काम कर लो, बस सिंपल क्या करो, सेंट्रल मैक्सिमा से, सेंट्रल मैक्सिमा जिसका भी पूछा है ना, उसकी दूरी निकाल लो, उसका वाई निकाल लो, उस y को डिवाइड कर दो किससे? कैपिटल D से, वो आपका थीटा होगा। जो भी चीज पूछी गई आपसे, चाहे वो आपसे मिनिमा पूछा गया है चाहे मैक्सिमा पूछा गया है, उस बंदे की, उस मैक्सिमा या मिनिमा की दूरी निकाल लो कहां से? सेंट्रल वाले से, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो कैपिटल D से, वो आपका आंसर आएगा। हाँ, अब हमारे पास सफिशियंट इनपुट है सवाल करने के लिए, सफिशियंट इनपुट है सवाल करने के लिए, बस एक चीज होता है तो मैं इंटेंसिटी, क्या बताया था इंटेंसिटी। सुनो, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी का, याद है? आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स रूट ऑफ आई वन रूट ऑफ आई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव पढ़ा था बच्चा, याद है? ठीक है जी, फॉर मैक्सिमा आई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? फॉर मैक्सिमा कॉस फाइव की वैल्यू क्या थी? वन। तो ये क्या बन गया था मेरे पास, कल मैंने कराया था, वो था रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर बनता है मैक्सिमा के लिए, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा कॉस फाइव की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? माइनस वन। तो आई मिन की वैल्यू जो बन जाती है बच्चा मेरे पास, क्या बन जाती है? रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, ये कल कराया था मैंने, ठीक है जी। अब मान लो दोनों स्लिट्स हैं ऐसे, ये एस वन ये एस टू, छेद से ये है, तो अगर इससे इंटेंसिटी आई जा रही है, इससे भी आई जा रही है, तो बताओ मुझे आई वन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? आई, और आई टू की वैल्यू भी क्या हो गई? आई। तो मुझे बताओ बच्चा मैक्सिमा पे कितनी इंटेंसिटी आएगी और मिनिमा पे कितनी इंटेंसिटी आएगी? फॉर्मूले पुट करो, आई वन को आई पुट कर दो और आई टू को आई पुट कर दो, बताओ मैक्सिमा पे कितनी इंटेंसिटी और मिनिमा पे कितनी इंटेंसिटी आएगी?
गुड। बाकी लोग ठीक है? सीमा जी गुड। सीमा और योगिता सबसे ज्यादा एक्टिव है, बाकी सारे अदिति गुड, शाबाश। साक्षी गुड। फोर आई ठीक है। दिशा जी गुड, शाबाश। चलो देखो सिंपल सा फंडा है मेरे पास, क्या है, यहाँ पे आई वन पुट कर दूं तो ये रूट आई वन बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आई रूट आई प्लस रूट आई, तो रूट आई मतलब टू रूट आई, ऐड कर दूं, टू रूट आई का स्क्वायर कर दूं तो बच्चा क्या आएगा, फोर आई बन जाएगा मेरे पास। तो मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी आएगी बच्चा वो क्या आएगी, फोर आई आएगी। मिनिमा की बात करूं, यहाँ पे रूट आई माइनस रूट आई तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है मिनिमा पे कोई लाइट नहीं आएगी, मिनिमा पे कोई रोशनी नहीं होगी, और मैक्सिमा पे कितनी रोशनी होगी, फोर आई होगी, ठीक है बच्चा। तो मैं स्क्रीन की बात करूं तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है मेरे पास, ठीक है जी। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी, फोर आई, फिर फर्स्ट मिनिमा आएगा उसके बाद वहां पे कितनी इंटेंसिटी, जीरो, फिर फर्स्ट मैक्सिमा आएगा वहां पे फोर आई, फिर ऐसे जीरो, फिर ऐसे फोर आई, तो सिस्टम चलता रहेगा ऐसे, नीचे जीरो फिर फोर आई फिर जीरो। तो क्योंकि हमने देखा था फिगर के अंदर देखा था हम लोगों ने कि एक मैक्सिमा के बाद दूसरा क्या आता है, मिनिमा आता है, तो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम आती रहेगी, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमा को बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क फ्रिंज, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, ठीक है बच्चा। जहां मैक्सिमा है उन्हें बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, और जहां मिनिमा है वहां बोलेंगे डार्क फ्रिंज। अब जो इंटरफेरेंस हमने किया है बेसिकली, इसमें बताओ एनर्जी का लॉस हुआ क्या? दो सोर्स थे मेरे पास, वो लाइट दे रहे थे आई और आई की, तो बताओ इसमें इंटेंसिटी का लॉस हुआ या फायदा हुआ, या कोई लॉस नहीं कोई फायदा नहीं? बताओ भाई, इंटरफेरेंस के कारण एनर्जी का लॉस हुआ या फायदा हुआ, या नो लॉस नो प्रॉफिट? गुड, योगिता जी सही बोल रहे हैं आप। बाकी लोग जवाब तो दो। अरे भाई तुक्के मार लो बड़े बहुत। चलो नहीं जवाब देना नहीं तुम लोगों ने, फायदा। ओके, एक बच्चा बोल रहा है फायदा, एक बच्चा बोल रहा है नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है सुनो। बाकी लोग जवाब देना चाहते ही नहीं है, क्यों तुक्के मारे हैं हम लोग, है ना भाई? बिंदु बोल रही है सेम, गुड शाबाश। नहीं बच्चा सुनो, है क्या, दो सोर्स थे मेरे पास, एक की आई थी दूसरे की आई थी, अगर किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो आई प्लस आई टू आई हो सकता है मेरे पास मैक्सिमम, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इंटरफेरेंस होता है ना, इंटरफेरेंस को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है एनर्जी ना तो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, सिंपल सी बात है, रीडिस्ट्रीब्यूट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो देखो हर जगह पे कितना होना चाहिए, टू आई होना चाहिए था मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मिनिमा पे होना चाहिए था टू आई, लेकिन वहां जीरो है, तो वहां वाला टू आई छीन के मैंने किसे दे दिया, मैक्सिमा को दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, फोर आई बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक बंदे छीन के दूसरे बंदे को मैं इंटेंसिटी दे रहा हूं, लेकिन एनर्जी फिर भी
कंजर्व्ड है बच्चा मेरे पास, ठीक है जी। मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4i है, मिनिमा पे क्या है, 0 है, लेकिन सब जगह क्या होनी चाहिए, 2i होनी चाहिए थी। तो मैंने मिनिमा से एनर्जी छीनी और कहां दे दी, मैंने मैक्सिमा को दे दी। मिनिमा से 2i एनर्जी छीन ली और मैक्सिमा को दे दी, तो वो क्या बन गई, 4i। तो इंटरफेरेंस में सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, कोई जनरेट नहीं होती ना ही कोई लॉस होता। बात चमकी? तो इंटरफेरेंस इज जस्ट ओनली अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एक तो पॉइंट और आया, स्लिट्स के बारे में चर्चा नहीं की मैंने, स्लिट्स पे चर्चा कर लेता हूं, फिर तुम्हारे सारे सवाल तुम्हारे होने लग जाएंगे, ठीक है जी। मान लो दो छेद थे मेरे पास ऐसे स्लिट्स। अब याद रखना, अगर मान लो दोनों छेद की मोटाई सेम है, दोनों छेद की मोटाई सेम है, तो इससे अगर आई इंटेंसिटी निकल रही है तो इससे भी आई निकलेगी। लेकिन अगर मान लो एक छेद मैंने डबल साइज कर दिया और एक छेद उतना ही है, तो ये डबल कर दिया तो इससे लाइट ज्यादा जाएगी, कॉमन सेंस है, तो इससे इंटेंसिटी डबल हो जाएगी और इससे इंटेंसिटी आई रहेगी मेरे पास, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट साइज। स्लिट का साइज बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, छेद मोटा करोगे तो ऑब्वियस सी बात ज्यादा रोशनी आएगी। तो इंटेंसिटी थ्रू स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट का साइज, ये बात ध्यान में रखना बस बच्चा। कितनी बात समझ में आ गई बच्चा? चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बता दो मेरे को, अगर यहां तक का ऑल क्लियर तो हम सवाल कर सकते हैं। हाँ चलो भाई करें सवाल फिर, बाकी लोग जवाब देना चाहते ही नहीं, बन क्या चक्कर है, तुम सो रहे हो क्या सब लोग? गुड मॉर्निंग तुम्हारी हो ही नहीं अब तक, क्लियर है? ओके पहले कुछ लल्लू सवाल करेंगे, ठीक है जी, फिर अच्छे अच्छे सवाल करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया हम लोगों ने, क्या यूज किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये सवाल अच्छा है, ठीक है जी। उस लाइट की वेवलेंथ दे रखी है आपको कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। एक लाइट यूज की है जिसका वेवलेंथ दे रखा है 5000, ठीक है जी। और स्लिट के बीच का सेपरेशन, स्लिट के बीच का सेपरेशन यानी स्मॉल डी दे रखा है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर दे रखा है आपको बच्चा, ठीक है जी। और इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट टू स्लिट्स, दो स्लिट्स हैं लेकिन दोनों स्लिट्स का साइज सेम नहीं है, एक स्लिट से तो इंटेंसिटी आ रही है मेरे पास कितनी, 4i0, और दूसरे छेद से जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, i0, ठीक है बच्चा। और आपको बोला गया है फाइंड, और एक चीज डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है 1 मीटर, और बोला गया है फाइंड फ्रिंज विड्थ। नल्लू सवाल, पहला सवाल क्या है, फाइंड फ्रिंज विड्थ, सेकंड पार्ट जो है इसका दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, थर्ड पूछा हुआ है इन्होंने इंटेंसिटी
एट y इज इक्वल टू 1/3 millimeter और फोर्थ पूछा है उन्होंने डिस्टेंस ऑफ द 1000 मैक्सिमम। ये चार सवाल हैं इसके अंदर। सवाल समझ में आया? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, स्लिट्स के बीच का गैप दे रखा है 1 millimeter, स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप दे रखा है मुझे क्या 1 meter दे रखा है, और आपसे पूछा गया है, पहले पूछा है फ्रिंज विड्थ पूछा गया है, सेकंड पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, थर्ड पूछा है इंटेंसिटी जब वाई कितना है 1/3 millimeter और डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा पूछा है। कर पाओगे सवाल? ये मैं कराऊं? गुड पॉइंट फाइव पांच हजार कितने लोगों के बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, कमाल करते हैं। चलो देखते हैं, साक्षी का शायद सही लग रहा है मुझे, साक्षी का आंसर सही है। बिंदु का भी सही है, गुड शाबाश। चलो मैं कराता हूं बच्चा, सुनो फ्रिंज विड्थ तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है ठीक है जी। अब याद करो बच्चा सुनो, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है बच्चा, बीटा का फॉर्मूला क्या था? देखो सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं इसका, सॉल्यूशन वन बीटा वाज नथिंग बट लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय डी, तो फॉर्मूला पुट करना, सब कुछ दे रखा था, फिर तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है ठीक है जी। 1.25 पार्ट टू का आंसर 1.25 सही नहीं लगा बच्चा, मेरा 2.25 आ रहा है। बिंदु तेरा 1.25 आ रहा है, मेरा आ रहा है 2.25। चलो करते हैं बच्चा, पहले सुन लो, एक बार पॉज कर दो, जो क्वेश्चन करे छोड़ दो। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चा मेरे पास? 5000 दे रखी है, तो 5000 इंटू एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10^-10 इंटू डिस्टेंस दे रखा मीटर में और स्मॉल डी दे रखा कितना 1 millimeter यानी 1 × 10^-3 ठीक है बच्चा। तो ये तीन जीरो तो कट जाएंगे, 1, 2, 3 तो ये बन जाएगा कितना 7, 7 में से 3 गया, 3 ऊपर जाएगा तो बच्चा 4 बच जाएगा, तो 5 × 10^-4 आ गया, 5 × 10^-4 अगर मैं इसको लिखूं तो 0.5 millimeter ले सकता हूं बच्चा मैं ऐसे, तो फ्रिंज विड्थ तो क्या आ गई मेरे पास 0.5 millimeter। जिनका आंसर गलत था, क्या गलती की थी भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी पक्की बात है। अरे भाई पहला पार्ट सबको आ गया, फॉर्मूला पुट करना है भाई। अदिति, योगिता, कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तुम लोगों ने पक्की। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, अच्छा मीटर में नहीं बदला, तुम कांड करने माहिर हो तुम लोग ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मिनिमा एंड, देखो सुनो फिफ्थ मिनिमा बोला है मेरे पास, तो दो चीज याद रखना बच्चा, अगर मैं पुट करता हूं 2n-1 × λ/d पुट करता, लैम्डा डी बाई डी पुट करता हूं, तो n इक्वल टू वन
एन इक्वल टू वन जो था मेरा वो आता था मेरा फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा याद करो डी बाय टू भी तो आएगा ऑड मल्टीपल एंडा बाय टू आता मेरे पास। हाँ जी तो यहां पे एन को क्या पुट करूं मेरा फिफ्थ पूछा है मेरे से तो फिफ्थ यानी एन को फाइव पुट कर दो इसमें एन को फाइव पुट कर दे क्या बन जाएगा दस माइनस एक नौ नाइन इंटू लैम्डा कितना है पांच हजार इंटू टेन की पावर माइनस टेन ठीक है जी और डी कितना है एक मीटर दे रखा है अपने को बाय टू टाइम्स डी कितना है वन मिलीमीटर यानी टेन की पावर माइनस थ्री सॉल्व कर लो क्या रहा भाई इसका गंदी सी वैल्यू आएगी कर लो क्या रहा है क्या रहा सॉल्व करने भाई टू पॉइंट टू फाइव आ रहा है क्या ठीक है तुम पे विश्वास कर रहा हूं मैं 2.25 मिलीमीटर ठीक है जी बाकी फॉर्मूला यही लगेगा ठीक है जी अब थर्ड पार्ट अच्छा है सेकंड पार्ट तो काम आसान ही है बिल्कुल इसका थर्ड पार्ट अच्छा वाला है ठीक है बच्चा सही है मिलीमीटर ही बन जाएगा ठीक है चलो अब सुनो थर्ड पार्ट देखो थर्ड पार्ट कितने लोगों को समझ में आ रहा है इंटेंसिटी पूछिए कहां पे y इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ मिलीमीटर ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि पूछा क्या है और करें कैसे कुछ आइडिया है इस चीज का नो आइडिया सर आप ही बताओ ठीक है जी बताता हूं सुनो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बता सुनो लो मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या है ये सेंट्रल मैक्सिमा है यहां पे एक पॉइंट है मेरे पास जहां पे वाई जहां का वाई गिवन है कितना बच्चा मतलब ये दूरी दे रखी आपको कितना है वन थर्ड दे रखा ना वन थर्ड ऑफ मिलीमीटर दे रखा है तो यहां पे वो पूछ रहा है कि बताओ इंटेंसिटी कितनी है अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है बच्चे के दिमाग में होता है या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा लेकिन नहीं बच्चा सुनो मैक्सिमा भी बनता है मिनिमा भी बनता है और ऐसे पॉइंट भी होते हैं जहां पे ना तो मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो मेरे पास ठीक है जी तो मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए इस पॉइंट पे मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए मुझे पाथ डिफरेंस से क्या आएगा फेज डिफरेंस आएगा फेज डिफरेंस से क्या आएगा बच्चा आई बराबर क्या था आई नेट का फॉर्मूला याद करो वो था आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू इंटू कॉस ऑफ फाई था मेरे पास तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी हो तो मुझे क्या चाहिए फाई चाहिए तो इस पॉइंट पे जो स्लिट्स है मेरे पास जो स्लिट्स हैं उनके कारण क्या चाहिए मुझे फेज डिफरेंस चाहिए क्या चाहिए फेज डिफरेंस चाहिए अब मुझे y दे रखा है बच्चा y दे रखा है तो y दे रखा है तो अब मुझे क्या चाहिए पाथ डिफरेंस चाहिए पाथ डिफरेंस से क्या निकाल लूंगा मैं फेज डिफरेंस निकाल लूंगा तो मुझे पता है कि पाथ डिफरेंस जो था वो मेरे पास क्या था बच्चा d साइन थीटा था मेरे पास पाथ डिफरेंस d साइन थीटा था और उसकी वैल्यू हम क्या करते देखो याद करो वो थी मेरे पास y d बाई डी अरे हाँ ना बोलो डेल्टा एक्स को हमने क्या लिखा था डीवाईडी लिखा था याद है सबको तो डेल्टा एक्स जो है वो मेरे पास हमेशा क्या आता है वाई डी बाय डी ठीक है जी तो यहां पे मुझे वाई गिवन है और मुझे डी पता है और मुझे कैपिटल डी पता है
तो उससे क्या मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूँ? तो डेल्टा एक्स निकालने पहले इससे, तो डेल्टा एक्स निकालते हैं, वो क्या आएगा 1/3 मिलीमीटर यानी 10^-3 इंटू डी कितना बच्चा मेरा, डी डी था 1 मिलीमीटर दे रखा था, 1 मिलीमीटर हाँ 1 ही दे रखा, 1×10^-3 ठीक है बच्चा। तो इससे डी की वैल्यू 1 मीटर, तो इससे क्या निकल गया बच्चा मेरे पास, पाथ डिफरेंस निकल गया, क्या निकल गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना आया बच्चा मेरे पास, 1/3 × 10^-6। यहां तक कोई तकलीफ बच्चा किसी को? मैंने वैल्यू भर दी खाली किसकी, डी की, स्मॉल डी की और कैपिटल डी की वैल्यू भर दी मैंने, ठीक है जी, और वाई की वैल्यू भर दी, यहां तक कोई तकलीफ, पाथ डिफरेंस आ गया मेरे पास, ठीक है। अब सुनो, याद करो डेल्टा फाई वो था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, जब मैंने पढ़ाया था बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा, फेज डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो पाथ डिफरेंस वैल्यू कितनी है, 1/3 × 10^-6, तो 2π/λ, लेमडा कितना बच्चा इसका, 5000 × 10^-10, और डेल्टा एक्स कितना है, 1/3 × 10^-6, तो कितना आ रहा है बच्चा ये, 10^-6 है, ये 3 0 कट गए इससे, तो ये -7 बच जाएगा, -7 बच गया मेरे पास ये, और 6 ये कट गया तो 1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2π × 10 2π × 10/5×3 ये बच गया मेरे पास, तो ये बच गया 2, ये आ गया 4π/3 आ गया मेरे पास, मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 4π/3, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई, 4π/3, तो 4π/3 का वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 180 था ना मेरे पास ये, 4×180/3 यानी ये 60, यानी क्या आ गया 240 आ गया, 240 एंगल आ गया मेरे, अब मुझे फाई पता लग गया, फाई की वैल्यू पता लग गई मुझे, यहां वाले फाई की वैल्यू पता लग गई, अब फॉर्मूला यूज क्या करना है मैंने, आई नेट इज इक्वल टू I1 + I2 + 2 × √I1 × √I2 × cos(φ). I1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी बच्चा, 4I0, I2 की वैल्यू दे रखी है बच्चा कितनी आपको, I0 दे रखी है, 2 × √4I0 × √I0 × cos(240। अरे cos(240) की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, ₹120 आ जाएगी मेरे हिसाब से, तो cos(120) आ जाएगी, अरे भाई cos 240 की वैल्यू क्या आएगी, cos 120 के बराबर होगा ये, तो cos 120 क्या होता है, -half, क्या हो जाएगा -half, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5I0 + 2 × √I0 × 2I0 × -half, ये 4 बन गया, 4 × half मतलब 5I0 − 2I0, तो वैल्यू क्या बनगी, 3I0 होगी, तो इतनी इंटेंसिटी आएगी उस वाई पे,
मुझे लग रहा है सबके तोते उड़ गए होंगे, पक्की बात है इस सवाल में। कितने लोगों में मिट्ठू उड़ गए इसमें, रिपीट करूंगा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है थोड़ा टफ सवाल था, जेई लेवल का सवाल था, बट तुम्हें करा दिया मैंने, ठीक है जी। तोते उड़ गए भाई, कितने लोग ईमानदारी से बोलो, नहीं आया मैं रिपीट करूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो भाई, अदिति आया, अदिति, आस्था, ठीक है। तो स्ट्रेटजी सुन लो बच्चा, स्ट्रेटजी क्या होती है सुनो। पहली चीज तो मैंने क्या बोला है कि हमेशा मैक्सिमम मिनिमम नहीं बने, कुछ और ही बन सकता है मेरे पास, ठीक है। इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, ठीक है। तो देखो सुनो, क्या स्ट्रेटजी आपको वाई दे रखा हो, वो पूछेगा इन जनरल क्या पूछेगा आपसे। देखो किसी भी पॉइंट दे देगा आपको, मान लो स्ट्रेटजी क्या है मेरे पास, किसी भी पॉइंट, मान लो सेंट्रल मैक्सिमा से कोई पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट वाई दे दिया, इस पॉइंट पे वो पूछेगा बताओ इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको वाई दे रखा हुआ, तो आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स को पुट करोगे आप लोग, वाई वाई डी बाय कैपिटल डी पुट करोगे। वाई आपको गिवन होगा, डी आपको गिवन होगा, स्मॉल डी गिवन होगा, तो उससे आप क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स निकाल लोगे। डेल्टा एक्स निकाल के आप क्या करोगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स करोगे। डेल्टा एक्स पुट करने के बाद आप क्या कहेगा, डेल्टा फाई आ जाएगा। फिर आप आई नेट का फॉर्मूला यूज करोगे, वो क्या करोगे, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन इंटू रूट ऑफ आई टू इंटू कॉस ऑफ फाई। जो फाई यहां से निकालोगे वो यहां पुट करोगे। I1, I2 नॉर्मली सेम होते हैं, लेकिन इस सवाल में दोनों अलग दे रखे थे बच्चा, तो इसलिए मैंने अलग पुट किया और यहाँ पे फाइव पुट किया, तो मैंने I नेट की वैल्यू निकाल ली। तो आपको किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी स्क्रीन के जनरल पॉइंट पे Y बोल दे, वहां पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या आपको निकालनी आती है बच्चा, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट करते हैं इसका, लास्ट पार्ट कौन सा है, ये अच्छा सवाल, लास्ट पार्ट जो करेगा उसे इनाम मिलेगा। चलो बड़ी बुद्धि लगाना, पांच सौ आ रहा है लास्ट का आंसर। मैंने पूछा क्या है बच्चा आपसे, डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड, अच्छा जी नहीं आंसर 500 नहीं आ रहा बच्चा, थोड़ी बेशर्मी की आपने, इसमें बेशर्मी करनी नहीं थी, ठीक है जी। ये सवाल अच्छा है, फोर्थ पार्ट है ये, यही पूछ चुकी है, ठीक है जी। तो आपको मैंने देखो तीन सॉल्यूशन आए थे, याद करो, पहली बेशर, पहला तो बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया था मैंने, वो तो कभी यूज होगा ही नहीं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी यूज नहीं करेंगे हम लोग। सेकंड मैंने क्या कहा था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करते थे बच्चा हम लोग, एन लैम्डा करते थे मैक्सिमा के लिए, ठीक है जी। ये सेकंड वाला सिस्टम था मेरे पास, सेकंड के अंदर हम क्या बोलते के अंदर अजम्पशन करते हैं कि थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा छोटा हो तो हम क्या करते थे, इस साइन को रिप्लेस करते थे किससे, टैन थीटा से रिप्लेस करते थे और एन लैम्डा चेक करते थे, ठीक है जी। अब पहले चेक तो कर ले कि साइन थीटा छोटा है या नहीं है, ठीक है जी। साइन थीटा छोटा आ रहा है तभी तो रिप्लेस कर पाएंगे टैन से, ठीक है जी। देखते हैं बच्चा, सुनो 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 सुनो, तुमने सवाल सॉल्व कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बेशर्मी वाला सवाल है ये, थोड़ा विदाउट बेशर्मी वाला। फर्स्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम कभी यूज नहीं करेंगे, सेकंड में क्या करते थे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा करते थे और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी यूज करते थे हम लोग बच्चा। फिर थर्ड वाले के अंदर हम थोड़ी बेशर्मी करते थे कि साइन थीटा को छोटा मानते थे और इस साइन को रिप्लेस करते थे टेन से, लेकिन पहले चेक तो करूं कि क्या ये साइन थीटा छोटा है या नहीं है। तो मैं इक्वेशन चेक कैसे करूंगा, इसको देखता हूं मैं, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा दे रखा है अपने को 5000 दे रखा है अपने को एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी 5000 एंगस्ट्रॉम, तो साइन थीटा निकालू इससे, तो वो क्या आ रहा है, एन लैम्डा बाय डी। एन कौन सा है बच्चा मेरे पास, हजार दे रखा है, एन हजार दे रखा है और लैम्डा दे रखा है 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बाय डी, कितना है बच्चा मेरा, स्मॉल डी कितना है,
10 की पावर माइनस 3 एक मिलीमीटर दे रखा है, तो चेक करूं मैं क्या ये छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा। साइन थीटा ये आ गया 10 की पावर 3, ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर 3 और ये माइनस 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 बन जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो भैया 9 तो ये पावर बन गई, 10 ये बन गई, तो एक बचेगा मेरे पास, तो एक 10 नीचे आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 5/10 आ रही है, यानी साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है। तो क्या अब मैं बेशर्मी कर सकता हूं, कैन आई रिप्लेस साइन थीटा बाय टेन थीटा, कैन आई रिप्लेस साइन थीटा बाय टेन थीटा, वो कब कर सकते हैं जब वो छोटा हो। तो मैंने कहा था मैं आपको एक सवाल कराऊंगा ठीक है, जिसमें सेकंड वाला मेथड यूज होगा, तो वो ये सवाल है जिसमें सेकंड मेथड यूज होगा। नॉर्मली 99% सवालों में थर्ड मेथड यूज होगा, लेकिन 1% सवाल में सेकंड मेथड भी यूज होगा। तो आप चेक कैसे करोगे यूज करना है नहीं करना, हमेशा साइन थीटा निकाल लेना, किससे, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, एन पुट कर देना, लैम्डा पुट कर देना, डी पुट कर देना। अगर थीटा बहुत छोटा आ रहा है माइनस 10 की पावर माइनस 2 माइनस 3 तब तो थर्ड मेथड यूज कर लेना, अदरवाइज फिर सेकंड ही यूज करना पड़ेगा ठीक है जी। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, हाफ आ रही है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 30 डिग्री होगी मानते हो। अब देखो सेकंड मेथड क्या बोलता था मेरे पास, सेकंड मेथड बोलता था मेरे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा करो और टेन थीटा को यूज करो y बाय डी। तो यहां से साइन थीटा निकाल लिया हम लोगों ने, वैल्यू कितने 30 आ गई, तो टेन 30 टेन 30 इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं मैं y बाय डी। तो y की वैल्यू क्या आएगी, d tan 30, d की वैल्यू कितनी है 1 मीटर और tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो 1/√3 मीटर आ रहा है। कितने लोगों के मिट्टू उड़ गए भाई, अरे बात चमकी, देखो जेई इससे पूछती है, जेई समझदारी क्वेश्चन पूछती, जेई क्या करती है ज्यादातर पूछती है आपसे सेकंड मेथड पे, आपकी बुक्स में इसका जिक्र भी नहीं है सेकंड मेथड का ठीक है। आपकी किताब जो भी पढ़ो, चाहे आप एसएल पढ़ लो चाहे प्रदीप पढ़ लो, उसमें सेकंड मेथड का कोई जिक्र नहीं है, बेशर्मी से थर्ड मेथड यूज करते हैं। लेकिन वो बेशर्मी क्यों करते हैं, क्योंकि 99% सवालों में वो बेशर्मी चल जाती है ठीक है जी, 1% सवाल में ये बेशर्मी नहीं चलती है जहां पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी आए ठीक है जी। चलो ये मैंने करा दिया आपको ठीक है, अब और सवाल करते हैं। करें बच्चा, ठीक है इसमें जितने भी सवाल सीबीएसई में आए ना बच्चा, मैं सब करा दूंगा आपको, इनफैक्ट जेई के भी करा दूंगा। अब सुनो एक तगड़ा सवाल दूं, चलो तुम डर जाओगे तगड़े से, तो सुनो चलो पहले एक लल्लू कर लेते हैं फिर तगड़ा सवाल करते हैं, प्रैक्टिस तो करानी है बच्चों को। इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, यानी स्मॉल डी दे रखा है 2 मिलीमीटर दे रखा है आपको बच्चा, वेवलेंथ दे रखी है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम
और डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना बच्चा, 1 मीटर, कैपिटल दे रखा है 1 मीटर। तो पूछा क्या है आपसे, पहला सवाल पूछा गया आपसे कि डिस्टेंस ऑफ सेकंड मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। पहला सवाल तो ये है, लल्लू सवाल है, ये तो आप बड़ी जल्दी कर दोगे, बताएं मेरे को। सेकंड सवाल, हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर। सेकेंड सवाल थोड़ा सा अच्छा है, फर्स्ट तो टाइम पास है, फॉर्मूला बेस्ड कराना है। चलो ट्राई करो बच्चा। -5 × 10⁻⁴ गलत है। बिंदु का सही है, सच। पल्लवी जी थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, गलती तो करती है अभी तो, जल्दीबाजी करती है अभी तो। चलो कोई बात नहीं, सुनो। हाँ जी, मैंने सही सही आ रहा है बच्चा, अदिति सही है आपका, बिंदु का सही है, अदिति का सही है। देखो भाई, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना यार, क्या करते हो तुम लोग। तो क्या पूछा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा, तो ये मेरा सीएम साथ था। फर्स्ट की क्या होती है, लैम्डा डी बाय 2d, सेकंड की 3 लैम्डा डी बाय 2d। तो दूरी करना क्या है, बस मुझे 3 लैम्डा डी बाय 2d करना है, क्योंकि इसकी दूरी पूछी है। इसकी दूरी कहां से पूछी है, सेंटर से पूछी हुई है, तो 3 लैम्डा डी बाय 2d। अभी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास बात तो है नहीं, बट स्टिल 5 × 10⁻⁷ कर दूं, 5000 था मेरे पास, ठीक है जी, एंगस्ट्रॉम में था। और आपको डी दे रखा है 1, और ये 2 दे रखा है आपको, और ये दे रखा है 2 मिलीमीटर। तो भाईजान ये बन गया 15/4, 15/4 × 10⁻⁴, ये आंसर आएगा। तो 3.75 समथिंग आएगा, 3.75 × 10⁻⁴ मीटर।
तुम लोगों ने क्या क्या कर रखा है, राम जाने। अरे पापियों, क्या गलती की तुमने, कैलकुलेशन मिस्टेक की है या वैसे ही कंसेप्चुअल मिस्टेक है? ईमानदारी से बताओ भाई, क्या गलती की है? डांटूंगा नहीं, कुछ भी बता दो मुझे। यूनिट कन्वर्जन गलती कर दी। बाकी लोग भाई, ओके डी वन ले लिया, ठीक है, दो तरह था बच्चा सवाल में, चलो कोई बात नहीं। ओके चलो अब सेकंड पार्ट करो, चलो फटाफट। एट बाय फिफ्टीन रेज टू पावर टू 800 बाय 15 ना ना भाई, ये तो सही नहीं है। ट्राई करो भाई, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। एक मिनट दूंगा खाली, बस लास्ट मिनट है। चलो भाई टाइम्स अप नाउ, करना क्या है, सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज करना है। अब रिप्लाई आ गया लोगों का, टाइम अप होते हैं। 4 नहीं है बच्चा, 40 है, 40, ठीक है जी। देखो फ्रिंज विड्थ जो मेरा आया था बच्चा, वो कितना आया था, फ्रिंज विड्थ कितना निकाला हम लोगों ने बच्चा? निकाला नहीं फ्रिंज विड्थ तो है हम लोगों, हाँ तो पहले फ्रिंज विड्थ निकालो। बीटा निकाल लो, बीटा होता है लैम्डा डी बाय डी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा तो 5 × 10⁻⁷ इंटू डी कितना है 1 मिलीमीटर, 1 रखा ना 1 मीटर, × 10⁻³ तो मेरे हिसाब से यहां आ रहा है 0.25 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ जो है बच्चा वो कितना आ रहा है मेरे पास, 0.25 मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी अब एक बात सुनो, फ्रिंज विड्थ के अंदर जब बीटा के अंदर जब बीटा होता है फ्रिंज विड्थ, उसमें कितने मैक्सिमम बनते हैं, एक बनता है फ्रिंज विड्थ में, एक बनता है, तो एक में कितना बनेगा बच्चा मेरे पास, 1 बाय बीटा बनेगा। आना बोलो, फ्रिंज विड्थ के अंदर जो होता है एक मैक्सिमम बनता है ना भाई। अब पूछा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना बनेगा, तो 1 बाय बीटा बन जाएगा,
तो 1 सेंटीमीटर बाय 0.25 मिलीमीटर, तो कितना आ रहा है बच्चा देख लो, ये 4 हो गया, 4 × 10^2, फोर्टी आ जाएगा बच्चा। सेंटीमीटर को कर लो 10^2 -2, मिलीमीटर कर लो 10^3 -3, तो 1 10 बच जाएगा मेरे पास। ये सेंटीमीटर था ना बच्चा मेरे पास, तो ये 4 बच गया 10^3 -2, ये बच गया 10^3 -3, तो 1 बच जाएगा 10 ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो 40 मैक्सिमा मिलेंगे मुझे 1 सेंटीमीटर की विड्थ में। कितने लोगों के तोते उड़ गए हैं? अरे ईमानदारी से बोलो, समझ में आया या ऊपर से ला गया? भाई फ्रिंज विड्थ में एक बनता है, तो एक कितने बनेगा उस हिसाब से देख लो। दोबारा चलो करते हैं, देख सुन, देख भाई एक फ्रिंज विड्थ क्या थी, एक फ्रिंज विड्थ में एक ही मैक्सिमा बनता है, तो फ्रिंज विड्थ में एक बन रहा है, ये तो है तो डिस्टेंस ही, फ्रिंज विड्थ है क्या, डिस्टेंस है, तो एक में इतना बन रहा है, मतलब बीटा में एक बन रहा है, तो एक सेंटीमीटर में कितना बनेगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं बच्चा। एक मीटर में कितना, तो एक सेंटीमीटर में कितना कर लेगी भाई, एक मीटर में किया हम लोगों ने तो ये आ गया, एक सेंटीमीटर में करना है तो 1/β × 1 सेंटीमीटर कर देगी ना भाई। योगिता आया या नहीं आया? योगिता बस याद रखो कि एक फ्रिंज विड्थ में एक मैक्सिमा बनता है और एक मिनिमा बनता है, तो इस टाइप के सवाल आएंगे कि बताओ एक सेंटीमीटर में कितने मैक्सिमा बनेंगे कितने मिनिमा बनेंगे, तो तुम कर सकते हो बड़े प्यार से। अदिति, आस्था, सबको समझ में आया? ठीक है, तो बच्चा फिर हम कल इस पे क्वेश्चन लाता हूं मैं, कल सारे सीबीएसई जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना, वाईडीएससी पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कल सारे क्वेश्चन निपटा दूंगा मैं आपको, ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने कराया है ना आपको, वो रिवाइज जरूर कर लेना प्लीज, ठीक है, ताकि कल ब्लैंक नजर ना हो मुझे, मैं पूछूं तो आपको आइडिया होना चाहिए। कल मैं 8-10 सवाल जितने भी आए हैं सीबीएसई में वो सारे ले आऊंगा, ठीक है जी, और कल खत्म करते हैं वाईडीएससी को। ये ऑप्टिक्स थोड़ी मुश्किल सी है, अरे कितने लोगों को मुश्किल लग रही है ये? चलो कोई नहीं, आस्था रिवाइज कर देख, आज थर्ड लेक्चर है, तीनों लेक्चर रिवाइज कर आस्था, ठीक है, फिर भी तो कोई डाउट हो तो मैं तो टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, रिवाइज कर ले तीनों लेक्चर, आज लेक्चर अपलोड कर दूंगा, रिवाइज कर ले, कल क्वेश्चन करते हैं, कल तेरे को सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। सीबीएसई का लेवल बड़ा लो है, ये क्वेश्चन मैंने जो कराए ना आपको टफ है थोड़े से, सीबीएसई बड़ा ही फुद्दू पूछती है, सिर्फ 2 या 3 सवाल पूछती है, एक तो इंटेंसिटी पूछती है और एक 2 लाइट डाल देगी वो पूछती है, वो कल मैं करा दूंगा आपको, ठीक है बच्चा, बाय बाय।